हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 40 मतलब 6:40। तो अभी थोड़ा सो के उठे हैं, तो फ्रेश व्रेश हो चुके हैं अच्छे से, और सुबह सुबह अभी बारिश भी हो रही थी। तो अभी का मौसम जो है बहुत ही थोड़ा ठंडा कर चुका है। तो गाइस, तो यहाँ पे देखिए स्मार्ट बॉय हम्माद क्या बना रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो यहाँ पे अभी बन रहे हैं अंडा। अंडा बॉयल किया जा रहा है, 2, 2, 4, 2, 6, 6 अंडा 6 लोगों के लिए। और यहाँ पे है कुछ एक बिस्किट जो कि ये खा रहा था, और ये तो आप लोग तो जानते ही है, ये अचार है जो कि अभी बन के तैयार हो रहा है, लगभग हो चुका है। और यहाँ का जब भी आप अचार खाओगे ना तो खुश हो जाओगे, आम का अचार खास करके मेरे घर का। हाँ, तो अभी अंडा लगभग कितना तैयार हो गया, अभी अंडा बॉयल होने में आपको थोड़ा टाइम और है, क्योंकि अभी बबल्स निकल रहे हैं धीरे धीरे, और जब ये बुब 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 करके बबल्स निकलने लगेंगे तो और अच्छी तरीके से अंडे बॉयल हो जाते हैं। ओहो क्या बात है। और इधर आपको मैं दिखा रहा हूँ, आइए इधर आइए थोड़ा सा ब्लॉग को लेके। और ये देखिए क्या कर रहा है, देखिए इसके अंदर क्या शिद्दत है मोबाइल चलाने की। हाँ क्या देख रहा है, पा देख रहा है, पा। हाँ ये हमेशा पा फिल्म देखता है, वो जो अमिताभ बच्चन वाला जिसमें एक रहता है। गाइस, तो अभी जब मैं सोया हुआ था तो अभी दो कॉल आया, तो मैंने जब कॉल उठाया तो देखा तो वो मेरे दोस्त ने कॉल करके मुझसे दो लेमन मंगवाए मुझसे, तो पता नहीं क्या करना है उसको नींबू से। तो चलिए, तो पहले चलते हैं उसके पास, और लगता है कुछ स्पेशल बनाने वाला है, तो चलिए तो चलते हैं उसके पास और इस नींबू को देते हैं, देखते हैं वो क्या करने वाला है। क्या मत सही बोल रहे हैं ना। हाँ चलिए। तो गाइस, तो फिर हम अपने दोस्त के लिए चाट मसाला ले जा रहे हैं, पता नहीं वो क्या बनाने वाला है, हमसे बार बार थोड़ा थोड़ा करके सामान मंगवा रहा है। चलिए तो पहले देख लेते हैं, उसे पूछ ही लेते हैं क्या बना। गाइस, ये वही नींबू है जिसका अभी मर्डर किया गया है, वो भी 6 हिस्सों में। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, और आप लोगों को मैं फाइनली बताने वाला हूँ ये क्या बनने वाला है अभी और क्या बना रहा है ये। तो ये है सत्तू, चने की सत्तू, आप लोगों को तो पता ही है, जो लोगों को सुबह सुबह पीना चाहिए, बहुत ही सेहतमंद होता है। और इसमें अभी क्या क्या डालेगा ये तो आप लोगों को पता है, प्याज है, ये नींबू है, और इसमें एक स्पेशल चीज़ ऐड किया जा रहा है, खीरा, जो कि इसको डालने से इसका कहना है कि बहुत ही टेस्टी लगेगा। और ये है काला नमक, और एक चीज़ और चाट मसाला, तो आप समझ सकते हैं स्पेशल सत्तू बना रहा है, और ये बहुत ही अच्छा बनाता है, यहाँ का स्पेशल पूरे मोहल्ला में बहुत ही अच्छा बनाता है। ये हुआ मज़ेदार सत्तू तैयार, वो भी मेरे दोस्त के हाथों से। तो अब हम लोग इसको फ्लैश आउट करने वाले हैं, पीने वाले हैं। तो चलिए तो चलते हैं, पहले इसे पी के टेस्ट करते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसा है। गाइस, तो सत्तू पी के फाइनली बहुत ही मज़ा आ गया, और अभी भी कुछ कुछ बचा हुआ है, और वाकई में बहुत ही टेस्टी बनाया है। जो बनाया है उनका नाम है रहमत, जो कि मेरा दोस्त है। क्या बात है, और यहाँ से देख रहे हैं आप लोग, इधर से भी गिर गया है, कोई बात नहीं। गाइस, तो अभी सुबह से बारिश हो रही है, फाइनली अभी 3 बज गए हैं और बारिश अभी रुक चुकी है। सुबह से भाई बारिश हो रही थी, मैं तो सोचा कि आज तो बाहर मैं निकल ही नहीं पाऊंगा, तो अभी मैं निकला हूँ और
थोड़ा जा रहा हूँ मार्केट कुछ सामान वगैरह लाने के लिए। गाइस तो आज आप लोगों को पता ही है कि बहुत आज बारिश हुई है, लाइट पर मारो ना, आज बहुत बारिश हुई है आप लोगों को तो पता ही है। तो आज हम लोग सोच रहे हैं कुछ बारिश के मौसम में कुछ चटपटा या करंची टाइप का खाने का मन हो रहा है, ठीक है। तो आज हम लोग थोड़ा देर पहले मैं गया था बाज़ार और कुछ सामान लेके आया, तो वो सामान ये है कि आज हम लोग बना रहे हैं, ये है, ये आप लोग देख रहे हैं, ये है चिकन है जिसको पूरी तरीके से मैरिनेट करके रखे हुए हम लोग हैं। तो अभी इसको चिकन फ्राई बनाया जाएगा और चिकन फ्राई बना के फिर हम लोग खाएंगे इसे और मज़ा आ जाएगा। तो इस मौसम में अगर आप लोग को भी कुछ खाने का मन करे, पकौड़ी हो या कुछ भी हो, तो आप लोग ज़रूर फ्राई किया हुआ चीज़ खाएँ और बहुत ही मज़ा आता है। आप लोगों को तो पता ही है चटपटा खाने का तो मन करता ही है बरसात के मौसम में। तो और कुछ भी उधर बन रहा है, चलिए तो दिखाते हैं। गाइस तो हमारा तैयार हो गया है ये चिकन फ्राई होने के लिए और यहाँ पे फ्राई हो रहा है और वो लगता है धीरे धीरे सट भी रहा है। कोई बात नहीं, नीचे से तेल का छौक पड़ेगा तो ऊपर खुद उठेगा। और ये है हमारे नेमत रहमानी जो कि बहुत ही स्पेशल कुकिंग मास्टर है और इसका भाई सत्तू मास्टर, दोनों में बहुत ही टैलेंट भरा हुआ है। गाइस अगर आप लोग आए ज़रूर तो यहाँ आप लोगों को खिलाएंगे चिकन फ्राई जो कि बहुत ही, देखिए क्या लजीज लग रहा हो। गाइस तो तैयार है हमारा फ्राइड चिकन। ओ लाइट मार के आपने दोबारा और भी स्वादिष्ट बना दिया। ठीक है लाइट रहने दी अभी। और यहाँ पे हमारे साथ है ये एक ग्लास और उसके साथ है फ्राइड चिकन के साथ है एक थम्स अप और इसके साथ हम लोग ये चाट मसाला जो कि इसके ऊपर थोड़ा सा छीट के फिर उसके बाद खाने में जो मज़ा आएगा मत पूछिए। तो अभी हम लोग इसे खाने जा रहे हैं लेकिन अभी और तैयार हो रहा है इस साइड में, तो अभी इतना तैयार हो चुका है और ये अभी मेहनत कर रहे हैं लगातार। और यहाँ पे ये जो लेग पीस है ये अभी बचा हुआ है क्योंकि ये मेहनत की है तो इसको इसका फल मिलना चाहिए। क्या जी बस हाँ ठीक है। और स्मार्ट बॉय क्या हाल है? हाँ ठीक है ठीक है। चिकन लेग पीस, करंची, लमरू, कोल्ड ड्रिंक। गाइस तो अभी का जो डिनर है वो अभी बहुत ही स्पेशल डिनर है क्योंकि आज मैं दोस्त के आया हूँ और हम सब मिलकर इस डिनर को तैयार किए हैं। तो अभी मैं दिखा रहा हूँ, तो ये चिकन है ये इसके थ्रू बना हुआ है और वो जो राइस देख रहे हैं वो मैंने बनाया है क्योंकि मुझे बस चावल ही का टैलेंट है बनाने का। और ये है हमारे मिन्नत जी जो कि आम बहुत पसंद करते हैं जो कि अभी खा रहे हैं। अहमद ये मेरा फेवरेट प्लेट है। रहमत कैसा लग रहा है चिकन? मस्त। तो छोटा छोटा पार्टी है, आप लोग टेंशन ना ले और मज़ा आएगा अभी खाने में। तो अभी हम लोग खा रहे हैं, यस चलो तो खाते, भूख लगा बहुत कस के। गोश्त बहुत टेस्टी है। और चावल कैसा बना है? चावल थोड़ा गीला हो गया भाई। चावल नो कमेंट। नो कमेंट मतलब बहुत ही अफसोस हुआ लेकिन कोई बात नहीं, मज़ा आ रहा है खाने में।